रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूअर, हम लोग मार्केट में हैं, तो मार्केट में आज उन्होंने सजावट की हुई, क्या इंतहा की हुई है, पता नहीं ये सारा सामान कितों चौके ले गए, इन्हें कितों इन्हें सजाया है। तो मैं कह तुहानू भी भाई है, तुम भी वेखो और दसो लग कैसा रहा है। ये जी खूबसूरत सा है जी घोड़ा, घोड़े कितने प्यारे, उन्होंने बाल लगाए हैं, ऊपर काठी भी गोल्डन डाली है और ये साथ उन्होंने पीछे पहरेदार भी खिला रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं ये, तो इधर मीनार साहब भी आ गए ने, असं अगे गए मीनार साहब, साढ़े पीछे पीछे बच्चे झूले लैन दे, जो मैं पहले आ गई हूँ बाद च आए ने, तो मीनार साहब नहीं हेलो कर रहे ने। अच्छा, मैं इस तरफ से जरा आपको इसके व्यू दिखा के तो उस तरफ लेके जाती, फिर मीनार साहब जो है ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं इनके बारे में, ये है कौन है कौन नहीं है, मैं इन्होंने कोई नहीं जानती जूँदी, ठीक है जी। उनके बाल भी देखे कितने खूबसूरत है। मीनार साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, सानू दसो जी ये कौन ने? ये जनाब वो रामे मिसर के वक्त जो है ना फिरौन के वक्त जिस तरह होती थी ना उनकी पुलिस वगैरह, ये वो, तो ये वो दिखा रहे। अच्छा, ये उनकी पुलिस है फौजा ने। मैं क्या तुम्हें दिखा दी, देखो ना हथा जा पाने शाने की इन्हें नाम देने, बर्छिया बुरछिया, मैनू तो इन्हों का नाम ही कौन नहीं जानते, सच्ची बात है। यह भी उन्हें पकड़े, तो यह भी तुम वेखो, तो दसो जी लग कैसे रहे और कैसी खूबसूरत व्यू ने और कितनी खूबसूरती से उन्होंने सजावट की हुई है। ये सारी मार्केट में उन्होंने इसकी ही डेकोरेशन की हुई है। और इनके कपड़े देखें कैसे, इनके कपड़े देखें, वो जैसे उस वक्त कपड़े पहनते थे ना उसी तरह के उन्होंने पहनाए हुए हैं कपड़े। ये देखें ना स्टार स्टूर जो सतारे स्तूरे जो है तारे शारे ऊपर सारे कुछ लगे हुए हैं, ताज दूज ये वो सारे उसी तरह के सारे कपड़े शपड़े जो पहनाए हुए हैं। तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ, ठीक है जी। अच्छा, बच्चे इधर दुकान के अंदर गए, पता नहीं इधर बच्चों के खिलौने शिलौने देखने के लिए, तो मुझे कह रहे हो, मैंने कहा चलो मैं आती हूँ। तो फिर हमने जाना इस तरफ, फिर मैं आपको इस तरफ से थोड़े से व्यू दिखाती हूँ। और इसकी छत की डेकोरेशन देखें कितनी प्यारी, ये सारी लाइटों की उन्होंने की हुई है, एडी प्यारी एडी खूबसूरत है। तो मैं कह भी एक व्यू तुम दिखा दें, ये देखो, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह आगे जाती हूँ तो आपको आगे से व्यू दिखाती, जरा बच्चों को देख लूँ। इधर उन्होंने ये देखें जी प्लांट भी इतने खूबसूरत बना कर रखे हुए हैं, लगाए हैं, बना कर रखे नहीं लगाए हैं, ये फ्रेश है, ओरिजिनल है, ये आर्टिफिशियल नहीं। और देखें कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। मोइज को भूख लगी है, चले अभी मोइज को आप कुछ खिलाते हैं ना। क्या खाना है मोइज ने मुझे बताए? आइसक्रीम, आइसक्रीम से पेट का दर्द ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पर देखें इन्होंने ओपन बैठने का इंतजाम किया हुआ है, तो ये बर्गर खाना है। अच्छा ठीक है, ये अंदर बाहर है, बर्गर बनी है, काफ़ी बार है साथ जी, पिज़्ज़ा वगैरह है और जी सैंडविच है, आइसक्रीम है, सब चीज़ें इधर। तो यहाँ पर बाहर बैठे और खाएं, तो बच्चों को अभी भूख लगी हुई है, हम बड़े अजीब से टाइम से घर से बाहर निकले थे बेटा में से, अभी लेके देते हैं। अच्छा, आइसक्रीम भी लेके देती हैं अपने पुत्र को, बर्गर भी। तो ये जी सारा उन्होंने इधर इसकी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, तो इस तरह भी बड़ी खूबसूरत सी डेकोरेशन की हुई है। तो मैंने कहा ज़रा आपको वो भी दिखाऊँगी। मोहित साहब चले गए आइसक्रीम लेने, मीनार साहब उनके साथ गए, आते हैं तो फिर दिखाती हूँ कौन सी आइसक्रीम लेके आते हैं, क्योंकि काफ़ी रश लगा हुआ है। 15 मिनट गुजर गए मुझे इधर खड़े हुए, तो अभी मीनार साहब का नंबर आया था, अभी वो लेके तो आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ कि इतनी देर लगी हमें यहाँ वेट करते हुए। ये लेंच ये आ गए हैं जी मीनार साहब लेके, ठीक है जी, ये आ रहे हैं, आ गए हैं जी, ठीक है जी, चले दें बच्चों को। ये देखें जी कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत आइसक्रीम है। नवेरा आप खाओ पहले कि मैं खाऊं? अच्छा चलो आप चेक करो, आप चेक करो, मेरा पुत्र चेक कर पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाएं। चॉकलेट वाली उनके पास है नहीं, बाद में ले लेना, ये पहले प्रवाह कर। हाँ जी, अच्छी है? नहीं अच्छी लगी नवेरा को, तो अच्छी नहीं लगी, मैं चेक करती हूँ। और उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स डाला है, बंटियाँ छंटियाँ डाली हैं, मोहित साहब को पसंद ही नहीं आई। लेकिन किन्ने एरो दी आई है? 4 एरो। हाँ वे लो, 4 एरो दी आई, तो उन्होंने पसंद ही नहीं आम गई। इसमें योगर्ट का जायका आ रहा है, नवेरा सही कह रही थी कोई योगर्ट है यहाँ पर, नहीं मोहित कह रहा था आइसक्रीम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ना आइसक्रीम उन्होंने तो नहीं खाई, मैं आसा भी खा रहे हैं इसलिए एक लिख के पहले चेक करें। यहाँ पर ये देखे जी इन्होंने गाय बनाई है, कितनी कलरफुल प्यारी गाय, चारी घास खान रही नीचे है, देखो गाय है कि मज है, मैंने आसा भी गाय है कि मज है, गाय ही है, क्योंकि मजा मुझा घट ही देखियाँ मैं, ज़्यादा गाय देखी, ठीक है, बड़ी कलरफुल प्यारी सी गाय है। तो गाय को देखने के बाद इधर चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ये जो वो लेके आए हैं वहाँ से सारा सामान उठा के ना इधर, वो देखें आप, ये देखें
ये इन्होंने कैसे फेस बनाए इनके, जैसे वो लूपो है जो रामे मिसर थे ना, हाँ, उसने अपने बंदों के ऊपर इस तरह के मास्क लगाए होते थे कि किसी को पता ना हो ओरिजिनल कौन है फिरौन। ये वही इन्होंने बनाए हैं, तो वो पता नहीं आग निकाल रहे हैं कि पानी निकाल रहे हैं, उस तरह सारे अंदर जा जा के चेक कर रहे हैं, बच्चे भी अंदर चले गए हैं। जी जी जाएं आप भी अंदर, बहुत बंदे हैं। अच्छा ओके ओके ठीक है, ये मोहित साहब कह रहे हैं मैंने अंदर जाना, बहुत बंदे हैं, चलो चलो चलते हैं चलो। ये देखें जी इधर से मैं साथ साथ खा रही हूँ आइसक्रीम, मुँह ठंडा हो रहा है, इधर बोला नहीं जा रहा, भूत देख लें ठीक है। ये एंट्री का दरवाजा है, वहां से बाहर निकलने के लिए। तो ये मेरे ख्याल नाम से हम लिख रही है, नंबर वाइज अंदर जा रहे हैं ये सब लोग जो खड़े हैं ना, ये अपना अपना नंबर लेंगे, टोकन लेंगे, फिर अंदर जाएंगे, तो टाइम काफी लग जाना, तो बच्चे तंग पड़े हैं। जी जी पुत्र। तो ये जो पुराने वक्तों में आग जलाते थे, ये उन्होंने आग भी वैसे ही जलाई है दोनों दरवाजों पे। खबरदार जरा अंदर आया आग तो ध्यान ना आना जी अंदर, ठीक है जी। तो ये देखें ये टोकन दे रही है, चलो आओ चले। ये उनका पता नहीं कुछ शेर शूर है, मीना साहब ये की है, आगे जाके देखें ये शेर शूर है, ये क्या है, उधर से आपको दिखाते हैं। ये पता नहीं फिरौन का मुजस्मा है, कादम जस्मा है, कांटी फोटो बना रही है सामने होकर तुम दिखाने हैं। ये देखें ठीक है जी, ये देखें जब मैं आपको सामने से पूरा व्यू दिखाती हूँ, आप देखें और बताएं कैसा लग रहा है, आ रही हूँ। ये देखें ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों ने कहा था हमने वापसी पर सीढ़ियों से नीचे उतरना है, रेलिंग से नहीं जाना, तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे, तो मैंने कहा आपको एक सीन दिखाऊं। ये देखें ये जी सीढ़ियाँ जिससे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है जी। मैंने आसाब रेलिंग से नीचे गए थे उनके पास ना, वो रेडी, हम सीढ़ियों से आए हैं नीचे। ये आ रहे हैं मोहित साहब और ये आ रही नवेरा। नवेरा आ जाओ आ जाओ, गिर नहीं जाना, ध्यान से आना। यहाँ पर जी गाड़ी भी सेल होने के लिए रखी है इन्होंने, तो मैं इधर जाने लगी थी, मैंने कहा इधर भी एक उन्होंने वो लेके आए हैं जो मिस्टर से वो रखे हैं, मैं तो वो भी आपको एक सीन दिखाऊँ, ठीक है। तो आ जाए आपको दिखाती हूँ। जाते जाते यहाँ पर देखे झूली है, झूली वाली दुकान है, बहुत खूबसूरत सी झूली है, ये देखें ठीक है जी। तो वहाँ से इधर मुड़े तो ये देखें जी इतनी खूबसूरती से उन्होंने सजाया हुआ है, वो जैसे मीना साहब ने आपको बताया था, जो मैंने ऊपर से दिखाया था कि उन्होंने अपने मतलब फेस कवर किए होते थे कि किसी को पता ना चले कि असली फ्रॉन कौन सा है, तो ये उसी तरह उन्होंने सजाए हुए हैं। तो साथ ये पता नहीं अल्लाह जाने उनका कौन सा है, ये जानवर है, ये तो मुझे लग रहा डायनासोर सा बना हुआ है। तो ये देखें उनके कपड़े भी चंगे चमक शमक वाले उन्होंने पहनाए हैं, ठीक है जी। ये देखें, मैंने कहा दूर से आपको एक व्यू दिखाऊं, आप देखें और बताएं जी कैसा लग रहा है। उम्मीद तो बड़ी कि आपको अच्छे लग रहे होंगे ये खूबसूरत से प्यारे से व्यू, अगर आपको अच्छे लग गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्यारा सा और हमें बताएं कैसे लग रहे हैं, ठीक है जी। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में किसी और जगह पे, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और अपना रखें ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।